भाई बकरीद का सीजन हो और मैं मंडी ना हूँ, ऐसा हो सकता है क्या? और आज तो मैं अपने दोस्तों को भी साथ लाया हूँ। काशान हमाद, सॉरी यार ये बताना भूल गया कि काशान हमाद का छोटा वर्जन लाया हूँ मैं आज साथ। चलें भाई, चलो भाई। असल भाई ये गाय कितनी खूबसूरत है ना। हाँ बेटा खूबसूरत तो है। इसके अबू का है? अबू अबू बोर है। ये गाय तो वाइट है तो उसके अबू तो ब्लैक है। बेटा तो इसकी अम्मी वाइट होंगी ना। अम्मी तो कहीं नहीं दिख रही, कहाँ है अम्मी? यार तुम बहुत सवाल करते हो, आओ यार आगे गायें देखते हैं यार। भाई इस बार मंडी में बड़े प्रॉपर इंतजाम हैं। मास्क के बगैर आपको जाने नहीं दिया जा रहा, सैनिटाइजेशन गेट्स लगे हुए हैं, प्रॉपर चेक एंड बैलेंस है, तो गुड जॉब ऑर्गेनाइजर्स। और इस वक्त मैं डेस्टिनी कैटल फॉर्म में मौजूद हूँ और मेरे पीछे लाल बादशाह भाई खड़े हैं। बादशाह भाई अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ये वाली देखो कितनी बड़ी है। ठीक है लेकिन ये इतनी उदास क्यों है? उदास? मैं पूछता हूँ। अच्छा भाई इसे एक बच्चिया ने फ्रेंड जोन कर दिया है। ओ, जैसे हानिया ने आसिम को किया है। तुम्हें भी पता है? वाह सही हुआ। अपना नॉर्थ नाजमाबाद के कबीर सिंह, ये जिस जगह आपने हाथ लगाया है ना इसको कहते हैं लात, और जब ये पड़ती है ना तो बंदा ऑट नहीं ऑट जाता है। आ जाओ। असल भाई ये बच्चिया है? हाँ बेटा ये बच्चिया है। वो बछड़ा है? हाँ वो बछड़ा है। आपको ऐसे पता? अबे बस ना। हाँ जी, तो मैं डेस्टिनी कैटल फॉर्म के ओनर के साथ खड़ा हुआ हूँ इस वक्त। इनसे पूछते हैं कि इन्होंने कहा था कि भाई मंडी नहीं आएंगे लेकिन ये मंडी आ गए, क्यों भाई ऐसा क्या हुआ? कैसे आप? ठीक हैं? अलग। अच्छा हमारी मंडी की मैनेजमेंट से मीटिंग हुई, फिर मैंने मंडी खुद विजिट किया तो उन्होंने मेक श्योर करवाया कि यहाँ पे तमाम SOPs फॉलो होंगी, और फिर मैंने अपने विजिट के अंदर भी देखा कि यहाँ पे तमाम SOPs जो है वो फॉलो करवा रहे हैं मंडी वाले, तो उनको मैं बहुत थैंक यू कहना चाहूँगा कि वो तमाम SOPs यहाँ पे फॉलो करवा रहे हैं। उसकी वजह से फिर मैं डिसाइड करा कि हम यहाँ पे मंडी की तरफ जरूर आएंगे। तो SOPs वगैरह प्रॉपर फॉलो हो रही हैं? जी बिल्कुल, जो मैं विजिट करके आया था और अभी भी मैं देख रहा हूँ तो SOPs तमाम यहाँ पे फॉलो हो रही हैं, और हमने मेक श्योर किया कि अपने कैंप के ऊपर हम खुद भी SOPs को फॉलो करवाएं। हर बंदा यहाँ पे सैनिटाइजेशन गेट के थ्रू आ रहा है जो आप शॉर्ट्स में दिखाएंगे भी, टेम्परेचर चेक सबका हो रहा है यहाँ पे, मास्क के बगैर हम किसी को एंट्री यहाँ पे नहीं दे रहे हैं, तो ये सब चीज़ें हम यहाँ पे खुद भी मेक श्योर कर रहे हैं कि अपने कैंप के ऊपर भी हम तमाम SOPs को फॉलो करें। जो लोग डरे हुए हैं, जो लोग परचेजिंग करने नहीं आ रहे हैं, उनको मैं यही बताना चाहूँगा कि तमाम SOPs यहाँ पे फॉलो हो रही हैं तो ज़रूर परचेजिंग करने के लिए आएँ, बिल्कुल एक सेफ इन्वायरमेंट के अंदर यहाँ मौजूद है सब। हाँ जी, तो लास्ट मैं आपसे क्वेश्चन करना चाहूँगा कि इस बार आपकी प्राइस रेंज क्या है? देखिए लास्ट ईयर के कंपैरिजन के अंदर इस साल अंदर रेंज थोड़ी चेंज करी है, इस बार हमारे पास 1 लाख से लेकर 24 लाख तक का जानवर मौजूद है, तो हम तमाम मार्केट्स और तमाम एरियाज़ को कवर कर रहे हैं। ठीक है जी, बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू। तो जी यहाँ होता है व्लॉग का अख्तिताम, तो फिर कुर्बानी कीजिए, ज़रूर कीजिए, क्योंकि कुर्बानी करने वाले को कुर्बानी के जानवर के हर बाल के बदले में एक नेकी मिलती है, और मेरी तरफ से आप सबको एडवांस ईद मुबारक। फैसल भाई जी, ये गाय भूसा क्यों खाती है, बिरयानी क्यों नहीं खाती? क्योंकि बिरयानी इंसान खाते हैं, अगर इंसान भूसा खाएंगे तो गाय में और इंसान में क्या फ़र्क रह जाएगा? अच्छा, सॉरी। यार मैं तुम लोगों को छोड़ूंगा नहीं यार।